भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन सोमवार को बाढ़ पूर्व कोसी तटबंधों के हालात को देखने बिहपुर के बगजान व जयरामपुर के त्रिमुहान कोसी तटबंधों पर पहुंचे। त्रिमुहान कोसी घाट के पास तटबंध पर चल रहे कटाव विरोधी कार्य का अवलोकन करते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार से जरूरी जानकारी लेने के बाद उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। यहां के बाद जयरामपुर के ग्वारीडीह टीले के पास पहुंचकर डीएम ने कोसी तटबंध निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों से कहा है कि तटबंध की सुरक्षा व बचाव कार्य में सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन कोसी बगजान तटबंध पर भी पहुंचे। यहां भी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी आदेश दिया। पुरातात्विक स्थल है, उसको बचाने का भी जो काम हुआ है उसमें भी जो देखने को और जानने को मिला काफ़ी अच्छा काम हुआ है। पायलट चैनल का भी निर्माण हो गया है और जैसा इंजीनियर्स लोग दावा कर रहे हैं और मुझे भी विश्वास है कि पायलट चैनल के बन जाने से एक तो हजारों एकड़ की ज़मीन जो है वो निश्चित रूप से निकलेगी और दूसरा जो है कई गांवों को मतलब फ्लड फाइटिंग में ये मदद पहुंचाएगा और निश्चित रूप से पानी जो इस तरह से कटाव करता है कोसी नदी का उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। उसमें सर नई धारा कब से बहना शुरू हो जाएगी? नई धारा वो इंजीनियर्स की टीम देख रही है। पानी तो अभी थोड़ा बड़ा है क्योंकि पानी का लेवल मेजर करना होता है, उसी हिसाब से फिर ये लोग डिस्चार्ज जो है उसमें अलाउ करते हैं, तो वो इंजीनियर्स लोग देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, और जब उचित समय आएगा तो उसको जो है चालू कर दिया जाएगा। ये सर गोविंदपुर सर कटाव से पीड़ित है और ये कहारपुर का कुछ निपटान? नहीं, वो वही हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी आबादी जहाँ रह रही है वहाँ पर कटाव नहीं हो उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और अभी SDO DCLR साहब भी साथ में हैं, जो लोग कटाव पीड़ित हैं जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि सरकारी ज़मीन, अगर सरकारी ज़मीन नहीं है तो निजी ज़मीन खरीद करके भी देने का प्रावधान है, वो हम लोग देंगे और उसमें से जो आवासहीन हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा। उस पर SDO साहब और DCLR साहब वर्क कर रहे हैं।